आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के BCM आर्या मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां पे आज साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई है, जो रिप्रेजेंट कर जो स्टूडेंट्स ने एफर्ट्स किए हैं, जो मॉडल्स उन्होंने बनाए हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे फ्यूचर को कि 2030 तक हमारा इंडिया कितना ग्रो अप करेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितने एफर्ट्स के साथ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग मॉडल्स बनाए हैं। सो कम एंड जॉइन मी। जैसे कि हमने देखा यहाँ BCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर में बहुत ही ब्यूटीफुल सी साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई और बहुत सारे पेरेंट्स ने यहाँ पे जो मॉडल्स रेडी किए थे स्टूडेंट्स ने उनको अप्रिशिएट किया। तो आपको हम मिलवाते हैं एक मैम से जो हमसे शेयर करेंगे कि बेसिकली जो ये आज एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई थी, इसको ऑर्गेनाइज करने का मोटिव क्या था। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब TV। हाउ आर यू? थैंक यू, फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वॉन्ट योर इंट्रोडक्शन। मैं मिसेज रूपाली आद्या एंड TGT टीचिंग मैथ्स हियर। दैट्स गुड मैम। तो मैम प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिए जो आज हमने मॉडल्स देखे, हमें दिखाई दिया स्टूडेंट्स ने बहुत एफर्ट्स किए हैं, टीचर्स के भी बहुत एफर्ट्स हैं, तो इसका मेन मोटिव क्या है साइंस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने का? ये बेसिकली जो दिस एग्जीबिशन वॉज बेस्ड ऑन द डिफरेंट 17 गोल्स ऑफ आर यूनेस्को, लाइक दे हैव जस्ट टेकन आउट दीज 17 गोल्स, हाउ दे कैन मेक आवर इंडिया अ बेटर इंडिया इन 2030। वी आर प्लानिंग आउट फॉर द फ्यूचर एंड मूविंग टू दीज 17 गोल्स एंड वी आर स्टूडेंट्स हैव मेड डिफरेंट मॉडल्स फॉर दैट वट टाइप ऑफ इंडिया दे वॉन्ट इन 2030। लाइक वी हैव रिप्रेजेंटेड हेयर गोल नंबर 5 इन माई स्टूडेंट्स एंड देयर गोल वॉज जेंडर इक्वेलिटी एंड दे हैव प्रोमोटेड दिस थिंग दैट इन 2030 there should be equality between the two genders, like male and females, there should not be any discrimination between them. Ma'am, what type of response you are getting by parents? Really, it was an awesome response and we all got appreciation from the parents as well as the members of the jury and the teachers and all the people who came and see the that. One last question we want to ask you, कि ये models बनाने के बाद जो जितने भी students ने यहाँ पे इतने efforts किए हैं तो उनके mind में हम कह सकते हैं कि बहुत ही एक positivity आएगी हमारी लुधियाना city को लेके, because it's a smart city. Definitely. I am sure that out of this the students have worked very hard for the 1 month, I must say, and they must have learned a lot of things out of these when they were preparing the models and when they were preparing the other things, how they have just synchronized all the things and find out that क्या क्या हम कर सकते हैं कि 2030 में कैसा इंडिया चाहिए। तो नो डाउट नाउ दे आर हैविंग द स्पिरिट कि अब हमने ये प्रेजेंट किया देन वी आर गोइंग टू मेक आर इंडिया लाइक दिस ओनली। जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम पहुंचे हैं BCM शास्त्री नगर के ब्रांच में, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई है स्टूडेंट्स की तरफ से। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं टीचर से और स्टूडेंट्स से और उनसे पूछते हैं कि उनके इस एग्जीबिशन को लेकर कितने वो एक्साइटेड थे और कितने एफर्ट्स लगे उनके। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब TV। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, आई एम वेरी गुड। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आई एम डॉक्टर पूजा वोरा, PGT इंग्लिश इन द स्कूल। मैम तो प्लीज़ आप मेंशन कीजिए इस मॉडल के बारे में, जैसे ट्री हमें विजिबल हो रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैम एक्चुअली दिस इज़ द ट्री वेयर आवर स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द विजिटर्स टू लीव देयर मार्क, लीव देयर कमेंट्स और इफ दे वांटेड टू टेक एनी प्लेज दैट हाउ दे आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड द विजन फॉर 2030। सो आई थिंक मोर देन 150 विजिटर्स दे हैव टेकन अ प्लेज। या दैट्स गुड मैम। Any other thing, do you want to give any message to Ludhianvis also? Yes, definitely. As I would just like to say, the way our school has taken this initiative to leave an imprint on the mark of each and every individual living not only in Ludhiana but beyond in the entire country, that how if we, you know, from the very beginning teach our children to know about all these goals, so
So they are definitely going to be the change in the society and become the trailblazers in the society, bringing the change. Great, ma'am. तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं कुछ students से. Hello, please come forward. आगे आ जाइए आप. तो आप हेलो वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी. सबसे पहले आप बताओ आपके कितने एफर्ट्स लगे इसको बनाने. मैम इट वाज अ वेरी इफेक्टिव. वी डिड सो मच हार्ड वर्क इन दिस डूइंग ऑल दिस प्रोजेक्ट्स एंड वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम लास्ट डे एंड यस्टरडे वी हैव कंट्रीब्यूटेड इन अलॉट. तो सबसे पहले आप अपनी फीलिंग शेयर कीजिए. जब आपको लगा होगा जो पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स इसके ऊपर किए हैं आपने, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे लगा आपको कमेंट्स देखकर जब पेरेंट्स ने कमेंट. आई वाज सो ओवरवेल्म्ड आफ्टर लुकिंग एट सच कमेंट्स. द पेरेंट्स वर सो इंटरेस्टेड इन आवर प्रोजेक्ट. वी फेल्ट दैट द हार्ड वर्क विच वी डिड वॉज नाउ completed because the parents were so excited and they felt so good after visiting our exhibition and they wrote so good comments. Even a student of LKG wrote a comment over here that everyone should live in peace. So yeah. Hello. Please come forward. Yeah. आप बताइए आपका कौन सा मॉडल था और कितने एफर्ट्स लगे आपको उसको कंप्लीट करने में. माय गोल नंबर इज गोल 11. It is sustainable cities and communities. We did a lot of hard work in this project. Actually, we made a model, but teachers rejected. We made our next model in just 2 days. We have to say that how we can sustain our cities by using solar panels, electricity, and by using other means of, like, not using plastic, by other means. So this is our model. Do you want to give any message regarding to your model? Yeah, please, I just want to say, please don't use plastic, go towards clothes, go towards other, just don't use plastic and make our city sustainable for future generations. Thank you. जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया था लुधियाना का बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्यूचर जो पॉवर्टी फ्री होने वाला है. तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं जो इनके मैम है जिन्होंने रेडी किया है, बहुत एफर्ट्स किए हैं इस मॉडल को लेके और स्टूडेंट से, और जानते हैं कि कितने एफर्ट्स लगे उनके. हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी. हाउ आर यू? गुड मैम. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आई एम शेली चोपड़ा एंड दिस इज आवर गोल नंबर 1, दैट इज नो पॉवर्टी. तो मैम प्लीज़ मेंशन कर दीजिए बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मॉडल ऑफ दिस एग्जीबिशन. बहुत ही ब्यूटीफुल है. तो कितने एफर्ट्स लगे आपको इसको रेडी करने में और ये ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट आपके माइंड में कैसे आया? एक्चुअली इट टुक अराउंड 1 month एंड आवर पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट दे ऑल वर्कड हार्ड फॉर इट एंड दे वर गिविंग अस डेली रिपोर्ट कि मैम वी हैव डन सो एंड सो एंड रियली आई अप्रिशिएट एफर्ट्स ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स एंड रियली हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू देयर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन. Do you think so कि इस मॉडल के बाद लुधियाना फ्यूचर में हमें ऐसा दिखाई देगा? Of course, we should hope for the best. That's good. Hello, welcome to Times Punjab TV. How are you? I'm fine. सबसे पहले बताइए आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं? Sixth standard के बाद होने के बाद छोटे से होने के बाद अपने इतना ब्यूटीफुल मॉडल रेडी किया है, कैसे आया आपके माइंड में? मैम ने हमें बोला था कि मॉडल बनाओ, तो ये मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये मॉडल बनाने की मैं हेल्प की थी और मेरे पापा ने भी बहुत हेल्प की है मॉडल बनाने. कैसा लग रहा है जब इतनी प्रेज हो रही है, इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है आपको आपके मॉडल को? हम अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. फ्यूचर में भी आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे ऐसी एग्जीबिशन में? यस मैम. कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी.